अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। इन दिनों सिर्फ एक ही चर्चा है, भाजपा से किसका टिकट फाइनल हुआ। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आदि अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, लेकिन भाजपा ने उन सीटों पर दम साध रखा है जिन पर पिछले लोकसभा चुनाव में बेहद कम अंतराल से पार्टी प्रत्याशी जीता था। इनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का केंद्र मेरठ लोकसभा सीट भी शामिल है। आज भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति के शाम 7 बजे महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इसमें पार्टी अध्यक्ष के अलावा नरेंद्र मोदी व अमित शाह भी भाग लेंगे। माना जा रहा है कि आज शाम इन बचे हुए उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मोहर लग जाएगी। अब संभावना यह है कि इस लिस्ट को आज रात तक घोषित कर दिया जाए या फिर 25 मार्च को। 25 मार्च को होली का रंग है, ऐसे में बहुत से लोगों के चेहरे का रंग खिलेगा और टिकट चाहने वालों में से बहुत का रंग उड़ भी जाएगा। अब यह पार्टी नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वह किसको होली शुभ कहती है और किसको नहीं। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर पिछले 3 बार से राजेंद्र अग्रवाल भाजपा से सांसद चुनते चले आ रहे हैं, एक बार खुद से और 2 बार मोदी लहर में। पिछली बार उन्होंने मात्र 4700 वोट से जीत दर्ज की थी। यह जीत याकूब कुरैशी को हराकर हासिल की गई थी। मतगणना के अंत में एक समय ऐसा भी आया जब याकूब कुरैशी की जीत के लिए मेरठ के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जश्न शुरू हो गया, लेकिन एकाएक ही अप्रत्याशित रूप से राजेंद्र अग्रवाल विजेता घोषित कर दिए गए। मतगणना स्थल पर तत्कालीन DM और तत्कालीन SSP और याकूब कुरैशी के बीच ऐसा क्या हुआ तो राजेंद्र अग्रवाल बाजी मार गए, इसे लेकर भी तमाम तरह की चर्चा है। हालांकि यह सभी केवल चर्चा तक ही सीमित है और इनका ऑफिशियल रिकॉर्ड कुछ नहीं है। अब अधिकांश जगह के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में इन सीटों पर प्रत्याशी कौन को लेकर जिज्ञासा अपने चरम पर है। वर्तमान में जो नाम सर्वाधिक चर्चा में है उनमें वैश्य बरादरी के दावेदारों में राजेंद्र अग्रवाल और कैंट विधायक अमित अग्रवाल के साथ ही भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघर और हापुड़ निवासी डॉक्टर विकास अग्रवाल प्रमुख रूप से शामिल हैं। राजेंद्र अग्रवाल जहां संघ नेतृत्व में अपनी पकड़ के चलते अपना टिकट पक्का होने का दम भर रहे हैं, तो अमित अग्रवाल को उम्मीद है कि यदि टिकट वैश्य को मिलता है और राजेंद्र का टिकट कटता है तो उनसे बेहतर कोई दूसरा वैश्य प्रत्याशी नहीं है। इसके पीछे अनुभव के साथ ही बेहतर चुनाव मैनेजमेंट और सामर्थ्य गिना जा रहा है। वहीं भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल और डॉक्टर विकास अग्रवाल RSS के एक बड़े पदाधिकारी के खासी करीबी हैं। दोनों को उम्मीद है कि उन्हें पार्टी की तरफ से हैप्पी होली बोला जाएगा। माना जा रहा है कि इन्हीं पदाधिकारी के आशीर्वाद के चलते ही मोहित बेनीवाल पहले महामंत्री फिर क्षेत्रीय अध्यक्ष और अब MLC बनने में कामयाब हुए हैं। समाजवादी पार्टी से भाजपा में आई सरोजनी अग्रवाल भी पिछले कुछ समय से सक्रिय नजर आ रही थी, लेकिन उन्हें भाजपा ने इस बार MLC नहीं बनाया। पूर्व में सपा छोड़कर भाजपा में आने पर जो डील हुई थी उसकी म्याद MLC की अवधि समाप्त होते होते खत्म हो गई। भाजपा से टिकट चाहने वालों में एक बड़ा नाम इन दोनों उद्योगपति व प्रमुख समाजसेवी राजेश दीवान का भी सामने आ रहा है। कई शिक्षण संस्था रन कर रहे राजेश दीवान कोरोना काल में मोटी धनराशि वे PPE किट देकर एकाएक ही चर्चा में आए थे। उनके पीछे पंजाबी समाज खड़ा हुआ है। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर पंजाबियों की संख्या करीब 2.5 लाख बताई जा रही है। हाल ही में संयुक्त पंजाबी संघ ने प्रेस वार्ता कर राजेश दीवान को टिकट देने की खुलकर वकालत की। संघ पदाधिकारियों का कहना है कि पिछले 50 सालों से भाजपा व RSS से जुड़े पंजाबी समुदाय को अब राजेश दीवान को टिकट देकर सम्मान मिलना चाहिए। सूत्रों का दावा है कि राजेश दीवान की दिल्ली में कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है। जहां तक बात ब्राह्मण समुदाय की है तो यहां से राज्यसभा सदस्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, पूर्व मंत्री सुनील भराला का नाम भी चर्चा में शामिल है। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के बारे में यह भी प्रचलित है कि यहां पर टिकट काफी हद तक गाजियाबाद टिकट पर निर्भर करता है। भाजपा यदि वहां से किसी ब्राह्मण को चुनाव लड़ाती है तो यहां से वैश्य को ही चुनाव लड़ाती है, ऐसा प्रचारित किया जाता है। पूर्व में भाजपा में यह भी चर्चा थी कि राजनाथ सिंह व नितिन गडकरी का टिकट कट रहा है। राजनाथ सिंह की जगह उनके बेटे पंकज सिंह को नोएडा व किसी वैश्य अनिल अग्रवाल को गाजियाबाद से लड़ाने की बात थी। ऐसे में ही मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट ब्राह्मण के खाते में आ रही थी और इस समीकरण को देखते ही लक्ष्मीकांत वाजपेयी चुनाव मैदान में कूदे थे।
अब राजनाथ सिंह को लखनऊ से प्रत्याशी घोषित करने से पंकज चुनाव लड़ने की रेस से बाहर माने जा रहे हैं। महेश शर्मा को अब नोएडा से टिकट दे दिया गया है। ऐसे में दो पड़ोसी जिलों से जातीय समीकरण को बैलेंस करने के लिए दूसरे ब्राह्मण को मेरठ से उतारा नहीं जा सकता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। गाजियाबाद से ठाकुर बिरादरी के वीके सिंह का टिकट लगभग फाइनल माना जा रहा है और इसी कारण ठाकुर बिरादरी का प्रतिनिधित्व कर रहे सरधना से हारे संगीत सोम मेरठ सीट से दावा कर रहे हैं। हाल ही में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान लड्डू बांटना भी राजनीतिक लोग इसी चश्मे से देख रहे हैं। इन सब के बीच प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, देश के तमाम मुद्दों को दरकिनार रख पार्टी केवल तीन ही नारों को लेकर चुनाव मैदान में उतर रही है। पहला, अब की बार 400 पार। दूसरा, मोदी की गारंटी। और तीसरा, अब की बार फिर मोदी सरकार। ऐसे में प्रत्याशी कौन होगा यह बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट पार्ट डॉट इन। नमस्कार।